प्यार में मिला जिंदगी भर का बल्ब। अनामिका मध्य प्रदेश से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और अयान राजस्थान से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। अयान एक सीधा सादा सा लड़का है जो ना लड़कियों से ज़्यादा बात करता है और ना किसी से ज़्यादा मतलब रखता है। अयान की यह बात अनामिका को बहुत अच्छी लगती है और वो किसी ना किसी बहाने से अयान से बात करने की कोशिश करती है। अनामिका दिखने में क्यूट लगती है, कुछ ही समय में अयान और अनामिका की दोस्ती हो जाती है। अयान धीरे धीरे अनामिका को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते, अपने हर लाइफ लाइक डिसलाइक को शेयर करते हैं और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अयान की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की आई नहीं थी, अयान को यह पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में अयान अनामिका को अपने दिल की बात बता देता है। अनामिका उससे एक दिन का वक्त मांगती है और कहती है, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। अनामिका सोचती है, जब अयान कॉलेज पढ़ने आया था तब वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर रहता है। जबकि अनामिका के पहले दोस्त थे और वह सबसे बात करती है। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो यह पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल अनामिका के मन में होते हैं। और दूसरे दिन अनामिका अयान को मना कर देती है और कहती है, मैं तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। अयान दोस्ती के लिए मना कर देता है और अनामिका को बहुत समझाता है, लेकिन अनामिका कुछ नहीं सुनती। अयान को यह बात बहुत बुरी लगती है और वो अनामिका से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता है। अब अनामिका को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और ना किसी से ज़्यादा बात करता है और ना मतलब रखता है। देखते देखते कॉलेज बीत जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। अयान कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2-3 साल बीत जाते हैं, ना अयान को अनामिका का पता रहता है और ना अनामिका को अयान का कुछ पता रहता है। अयान अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दुगनी रहती है। जब अयान पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है अनामिका इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों ऐसा ही चलता है, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी अयान और अनामिका की बात होने लगती है। अनामिका अयान को समझाती है, आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। अयान को अनामिका की बात समझ आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। अयान सीधा साधा सा लड़का रहता है, उसको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है। अयान कुछ समय बाद अनामिका को डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार का इजहार करता है। अनामिका इस बार अयान को मना नहीं करना चाहती, पर उसके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली रहती है। अनामिका अयान को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार अयान का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अनामिका रात में सोचती है कि अयान से अच्छा लड़का मुझे नहीं मिलेगा। वो फैसला करती है कि कल अयान को हाँ कर दूँगी और मम्मी पापा को अयान से शादी के लिए मना लूँगी। जब दूसरे दिन अनामिका ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि अयान ऑफिस छोड़कर चला गया और दोबारा कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते अयान अनामिका को एक खत लिख जाता है जिसमें, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुम्हें से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूँगा।
मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल प्यार किया है। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब न मेरी जिंदगी में कोई आएगा और न मैं किसी को आने दूंगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूंगा। आज के बाद पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनामिका अयान को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई साल के बाद भी उसको अयान नहीं मिलता है। और वो अपने माँ बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती है। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।